नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कोलन क्लासिफिकेशन का अगला चैप्टर करेंगे। अगला चैप्टर यानी कि एल मेडिसिन का चैप्टर। एल मेडिसिन के चैप्टर के अंदर आपको मानव चिकित्सा से संबंधित जितने भी वर्ड हो सकते हैं, जितने भी कोड होते हैं, वो लगभग सभी दिए गए हैं इसके अंदर। इसमें सबसे पहले हमें मानव शरीर के अंग और ग्रंथियां दी गई है कि कितने शरीर के अंदर किस तरह के कौन कौन से अंग और ग्रंथियां होती है। तो उसके बाद हमें इसके अंदर मानव शरीर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, वो सारी बीमारियां इसके अंदर दी गई है, लगभग सारी। जैसे बुखार है, मलेरिया है, डेंगू है, इसके अलावा जितनी भी बीमारियाँ होती है, कैंसर या उससे रिलेटेड जितनी भी तरह की, वो सारी इसके अंदर दी गई है। इसके बाद हम बात करें उनके उपचार का, तो उनका उपचार कौन कौन सी विधियों द्वारा किया जा सकता है या कौन कौन से तरीके से किया जा सकता है, विधियों के अंदर किस किस प्रकार की सिस्टम से उनको किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है, उन सभी के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें दिया गया है। उन सभी वर्ड्स को दिया गया है और उनके कोड को साथ में भी दिया गया है। उनको कैसे लगाना है कोड को फॉर्मूले के अंदर, ये चैप्टर से रिलेटेड कोई टाइटल आ जाता है तो उस टाइटल को सोल्व कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे रिलेटेड जितने भी टाइटल होंगे, लगभग जो इससे रिलेटेड होंगे, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा कि कैसे उनको सोल्व करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उनके जो कोड हैं वो कैसे उसके अंदर पुट करने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर के नाम के बाद हम बात करें अगर उसके फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला के अंदर आपको एक चीज़ ऐड कर लेनी है। पहले आपको फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई देगा कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर, एल पी कोलन ई कम टू पी, लेकिन उसके साथ में आपको कोलन लगा के टू ई कम थ्री पी ऐड कर लेनी है, जो कि आपको इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में यहाँ दी गई है, पेज नंबर 2.85 पे, 2.85 नंबर पेज पे आपको 2E-35 दी गई है। तो फॉर्मूला के बाद हम बात करें अगर पी की, फोसाई इन पी इसके अंदर हमें दी गई है। पी के अंदर यानी कि पर्सनालिटी के अंदर आपको यहाँ पे मानव शरीर से संबंधित जितने भी अंग और ग्रंथियाँ होती है वो सारी दी गई है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो 185 नंबर आपको आँख का मिलेगा। इसके बाद अगर हम मुंह का कोड देखें तो वहाँ पे 21 दिया जाता है। अगर दांत का देखें तो आपको 214 दिया जाता है। हेड का यहाँ पे 18 नंबर कोड दिया गया है। उसके बाद हम बात करें फेस की, तो फेस हमें यहाँ पे 181 नंबर पे दिया गया है। इसी तरह हमें पेट, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्लड, हार्ट, इस तरह के अलग अलग जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, वो सारी हमें इस पी के अंदर मिल जाती है। माउथ के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो सारा कुछ इसके अंदर हमें दिया गया है। जैसे मिल्क टीथ भी होते हैं, बच्चों के दांत जो होते हैं, तो वो दिए गए हैं हमें। किड्स ऑफ टीथ, मिल्क किड, सॉरी टीथ, इस तरह की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। उसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नेल पे पी हमारी ख़त्म हो जाती है। स्किन के अंदर हमें नेल दिए गए हैं 883 पे। उसके बाद ई कम टू पी इसकी शुरू होती है। ई कम टू पी के अंदर हमें लगभग जितनी तरह की बीमारियां हैं या ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, हेल्थ से रिलेटेड, वो सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है। मेन यहाँ पे आपको डिजीज़ वर्ड मिलता है 4, जिसका कोड है। ये डिजीज़ वर्ड हम कई चैप्टर्स के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें जीवों से रिलेटेड कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो उसके लिए हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। या जब हम पौधों से के बारे में पढ़ते हैं, फसलों के बारे में पढ़ते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कई बीमारियां होती है, उसके लिए भी हमें यहाँ आना पड़ता है 4 डिजीज़ के अंदर। उसके अलावा जितनी भी मानव हेल्थ से रिलेटेड वर्ड होते हैं वो सारा कुछ इसके अंदर हमें दिया गया है। जैसे कौन कौन से वर्ड हमें इसके अंदर दिए गए हैं ईकम टू पी में, जैसे हमें यहाँ पे मॉर्फोलॉजी दिया गया है। मॉर्फोलॉजी के साथ में आपको एक वर्ड ऐड कर लेना है, एनाटोमी। उसके बाद हमें कई चीज़ें दी गई है, जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर हमें डायग्नोसिस दिया गया है, मल्टीपल प्रेगनेंसी दी गई है। इसके बाद हमें पैथोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी दिया गया है, इसको भी काफ़ी तरह से डिवाइड किया गया है, इसके सब डिविजन्स दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करें
तो इसमें यहाँ पे बर्थ कंट्रोल दिया गया है, इसके बारे में काफ़ी काफ़ी कुछ बताया गया है। इसके बाद 5 नंबर पर हमें पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन दिया गया है। उसके बाद इनके सब डिविजन्स शुरू हो जाते हैं पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के। इसमें हमें जैसे बर्थ दिया गया है, डेथ दी गई है, या उसके अलावा हमें पब्लिक हाइजीन दिया गया है। इसके अंदर हमें इसके सब डिविजन्स दिए गए हैं, ग्राउंड वाटर सीजन और एयर किससे रिलेटेड हो सकती है पब्लिक हेल्थ, ठीक है। इसके बाद हमें फूड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। आगे हम पेज पलट के देखें, यहाँ पे जैसे हमें स्लीप भी दिया गया है, पेज पलटें तो यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया है, फोर डिजीज इन ई फोसाई इन 2P, यानी कि जो डिजीज है 4, उसकी आगे हमें 2P दी गई है, यानी कि इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है हमारे टाइटल के अंदर तो वो आपको 4 की 2P में लिखनी है। 4 की जो ई है, ये तो ई हो गया, ई कम 2P हम लिखते हैं, तो उसके साथ आपको ई के साथ जो 2P है वो आपको पहले तो 4 लगाना होगा। यानी कि मान लीजिए इसमें से एक वर्ड आ जाता है, कोई भी हम वर्ड इसके अंदर मान लेते हैं, जैसे जैसे इन्फेक्शन वर्ड आ जाता है, 2 नंबर पे हमें इन्फेक्शन दिया गया है, सिंपली इन्फेक्शन वर्ड आता है, डिजीज हमें नहीं दिया गया है वर्ड टाइटल के अंदर, तो आपको क्या करना है, इन्फेक्शन के 2 कोड से पहले आपको डिजीज़ का 4 कोड जरूरी लगाना है। यानी कि सबसे पहले हम ई शुरू होगी तो इसलिए हम कोलन लगाएंगे, कोलन के बाद सबसे पहले डिजीज़ का जो अंकन है 4 वो लगाएंगे, इसके बाद हम ई के बाद 2P लगाएंगे, 2P का जो कोड, 2P में हमें इन्फेक्शन दिया गया है, इन्फेक्शन का 2 हम लगा देंगे उसके साथ में बिना किसी सिंबल के, क्योंकि ई और 2P के बीच में कोई भी सिंबल हमें नहीं दिया गया है फॉर्मूला के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वर्ड ऐड कर लेना है, कैंसर 7257, यानी कि 7257 कोड दिया गया है, उसके आगे आपको ओब्लिक या कोमा लगा के कैंसर वर्ड लिख लेना है। अगर कैंसर वर्ड आ जाता है टाइटल के अंदर तो वो आपको 4 डिजीज की 2P से लेनी है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हमें बने बनाए कोड भी दिए गए हैं, जो बीमारी होती हैं अलग अलग बीमारियों के बने बनाए कोड दिए गए हैं, जैसे काफ़ी सारी बीमारियों के यहाँ पे हमें कोड मिलते हैं। यहाँ हम देखें, हमें यहाँ येलो फीवर मिलता है L35:4263 पर। उसके अलावा मलेरिया, यहाँ पे हमें इसका कोड बना बनाया कोड दिया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले मेन क्लास है, उसके बाद पी है, और पी के बाद हमें इकम 2P दी गई है। इकम 2P में सबसे पहले ई जो है वो 4 आ गया डिजीज़ का, क्योंकि एक बीमारियाँ है, बीमारी है मलेरिया। उसके बाद हमें 261 दे दिया गया मलेरिया का कोड, ये बने बनाए कोड दिए गए हैं। या इसके अलावा मान लीजिए एनीमिया आ जाता है, तो एनीमिया का कोड हमें यहाँ पे दिया गया है L35:411, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे हम देखेंगे इसी पेज में सेकंड रो के अंदर 2ECM3P दिया गया है हमें, फोसाइन 2ECM3P। इसके अंदर भी हमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं कि आपको अगर कोई इलाज करना है बीमारी का तो वो किस तरह से, उसमें कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं, वो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। जैसे आपको 6 नंबर पे क्या कर लेना है, यहाँ पे ट्रीटमेंट वर्ड को ऐड कर लेना है, कोमा या ओब्लिक लगा के, या आप पेंसिल से करेंगे, ट्रीटमेंट वर्ड ऐड कर लेंगे, ताकि अगर किसी भी टाइटल के अंदर ट्रीटमेंट वर्ड अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ पे आप 6 लगा देंगे, जो कि हमारी 2ECM3P है, ठीक है। इसके बाद हमें एक वर्ड एक और ऐड कर लेना है, यहाँ पे 63 हमें दिया गया है, 63 नंबर, इसमें आपको ड्रग वर्ड ऐड कर लेना है। अगर आपको टाइटल के अंदर ड्रग वर्ड मिल जाता है तो आपको वहाँ पर उसका जो कोड है वो आपको 63 लगा देना है, जो कि 2ECM3P के अंदर हमें दिया गया है। उसके आगे हम एक पेज पलटें तो इसमें यहाँ हमें सर्जरी दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे हमें 2ECM3P के अंदर मिल जाते हैं। सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे स्पेशल और सिस्टम दिया गया है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है कि ये क्या होता है, इनका कैसे इस्तेमाल होता है। तो स्पेशल के अंदर हमें अलग अलग चीज़ें दी गई है, जैसे यहाँ पे चाइल्ड दे दिया गया है, एडोलेसेंट दे दिया गया है, या ओल्ड एज दे दिया गया है, फीमेल दे दिया गया है। इसके बाद हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर हमें अलग अलग जो विधियां हैं वो दी गई है, जैसे आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, या नेचुरोथेरेपी है, पैथी है सॉरी। इसके अंदर एक वर्ड आपको नहीं मिला, जो कि है एलोपैथिक। तो एलोपैथिक के लिए आपको क्या करना है, एल वर्ड ले लेना है, इसका जो कोड है वो आपको एल लगाना है, अगर टाइटल के अंदर एलोपैथिक वर्ड आ जाता है तो।
तो ये हमें इसकी विधियां दे दी गई है, और स्पेशल और सिस्टम का इस्तेमाल कैसे होता है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे। अगर स्पेशल या सिस्टम में से कोई भी वर्ड आपको टाइटल में दे दिया जाता है, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले तो स्पेशल या सिस्टम का जो वर्ड दिया गया है उसका कोड लगाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले वो लगाएंगे तो उसमें हमारी मेन क्लास जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है, मेन क्लास भी आ जाएगी और स्पेशल या सिस्टम जो कोड दिया गया है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको कोमा लगा के पी लगानी है, जो पर्सनैलिटी दी होगी वो कोमा लगा के उसके साथ में लगानी है। दोबारा हम मेन क्लास नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम कोलन लगा के ई लगा देंगे, या हमें एम दी गई है तो सेमी कोलम लगा के हम एम लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर हमें पी नहीं दी गई है, पर्सनैलिटी नहीं है उस टाइटल के अंदर, सीधा हमें स्पेशल या सिस्टम का वर्ड देके सीधी एनर्जी दे दी गई है, तो उसके लिए हम कोमा नहीं लगाएंगे, सीधा जो हमारा स्पेशल या सिस्टम का कोड होगा वो कोड लगा के कोलन लगाएंगे और हमारी ई शुरू कर देंगे कोलन लगाने के बाद। तो ये चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें दी गई है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो टाइटल हो सकते हैं वो हम करके देख लेते हैं। तो चलिए टाइटल करके देखते हैं। इसमें हमें पहला टाइटल दिया गया है बोन्स ऑफ लेग, यानी कि लेग की यहाँ पे हड्डियों के बारे में बात कही जा रही है। तो इसके लिए हम एलमेडिसिन के चैप्टर में देखेंगे कि लेग और बोन्स ये दो वर्ड हमें कहाँ मिलते हैं। तो लेग के लिए हम देखें तो लेग हमें 132 यानी कि 132 पे हमें लेग मिल जाता है, सॉरी 134 पर हमें लेग मिल जाता है। तो यहाँ हम एक बार लिख देंगे लेग का है 134, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बोन्स का कहाँ मिलता है। बोन्स के लिए हम आगे जाएं तो एल मेडिसिन की पी के अंदर ही हमें 82 पे मिलता है बोन। तो ये हड्डियों का कोड यहाँ पे 82 हो गया। लेकिन एक बात यहाँ देखें तो ये दोनों ही हमारी यहाँ पे पी है। अब एल मेडिसिन की एक ही पी के अंदर से दो अलग अलग वर्ड के कोड दे दिए गए हैं, तो हमें अब दोनों कोड लगाने तो है। सबसे पहले तो हम मेन क्लास लगा देंगे जो एल मेडिसिन की है, उसके बाद इसका कोड कैसे लगाएंगे हम, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने विधियां बताई थी आपको डिवाइसेस। उसके अंदर मैंने आपको एक अध्यारोपण विधि बताई थी SID, तो वो वहाँ यहाँ पे लागू होगी। उसमें आपको एक डैश का चिन्ह लगाना होता था, तो उसमें इसमें अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने मेन क्लास लगा दी एल मेडिसिन की, उसके बाद यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा कोड पहले आता है, यानी कि चाहे तो हम काउंटिंग करके देख सकते हैं कि 134 पहले आता है या 82 पहले आता है। वैसे तो देखें तो 134 बाद में आता है, लेकिन अगर कोलन के हिसाब से देखें तो हमें 134 पहले दिया गया है, यानी 1 की लाइन जो है हमें सबसे पहले दी गई है और 8 की लाइन जो है वो बाद में दी गई है। 8 पे अदर सिस्टम हमें दिया गया है, तो अदर सिस्टम जो है वो बाद में शुरू होता है, सबसे पहले हमें 1 दिया गया है बेसिक एंड रिलीजन, ठीक है, रीजनल सॉरी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो कोड पहले आएगा उसको हम पहले लिख देंगे। तो ये जैसे 134 पहले आता है तो हम यहाँ 134 पहले लिख देंगे। उसके बाद आपको एक डैश लगाना है जो कि अध्यारोपण का एक कनेक्टिव सिंबल है, ये लगा देंगे। उसके बाद हम जो बाद में कोड आता है वो लिख देंगे 82। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बोन्स ऑफ लेग का L134-82, ठीक है। इसके बाद अगला अगर टाइटल करें हम, अगला टाइटल भी इससे मिलता जुलता ही है, लगभग सेम ही है। ये है वीनस ऑफ आइज, यहाँ पे आइज की वीनस के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले हम एल मेडिसिन की मेन क्लास लगा देंगे एल, उसके बाद देखेंगे कि हमें वीनस और आई कहाँ पे मिलता है, इनके कोड कहाँ मिलते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमें आई तो मिल जाता है 185 यानी कि 185 पर मिल जाता है, ये 185 इसका कोड हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि वीनस कहाँ मिलता है, तो वीनस के लिए हम देखेंगे इसी के अंदर यानी कि एल की पी में देखेंगे, क्योंकि वीनस एक हम इसमें पी के अंदर ही आएगा, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे कि आपको कहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है, वीनस का कोड कहाँ दिया है। तो यहाँ हम देखें इसमें 36 पे हमें दिया गया है वीन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 36। अब जैसे पहला टाइटल था सेम टू सेम वैसे ही है, ये हमें दोनों पी दे दी गई है। तो सबसे पहले हमने मेन क्लास लगा दी, उसके बाद इनमें से पहले कौन आएगा, 185 आएगा पहले, उसके बाद डैश लगाएंगे और 36, ये आंसर कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान सा ही आंसर है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बना बनाया कोड इस तरह दे दिया गया है, पहले वीनस बोन्स का दे दिया गया, फिर लेग का दे दिया गया, सेकंड के अंदर वीनस का दे दिया गया, फिर आई का दे दिया गया। उसके बाद थर्ड टाइटल हम करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान बिल्कुल है, इन दोनों से आसान ये टाइटल है। तो इसके अंदर हम देखेंगे हमें टाइटल दिया गया है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन दिया गया है। तो इसके लिए हम
इसके अंदर देखेंगे हमें एल मेडिसिन में पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन से, मतलब इनमें से ये जो टाइटल है ये टुकड़ों में अलग अलग मिलता है कि पब्लिक अलग मिलेगा, हेल्थ अलग मिलेगा, हाइजीन अलग मिलेगा, या एक साथ मिलता है, किस तरह मिलता है, इसके लिए हम इसमें देखेंगे। यहाँ हम देखें, इसमें जब आप पी में देखेंगे तो पी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से ये ई शुरू होती है, फोसाई इन ई, ई कम टू पी, तो ई के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर दिया गया। 4 पे तो डिजीज आ गई, 5 पे हमें दिया गया पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, मतलब कि ये जो पूरा टाइटल है ये एक ही जगह पे हमें दे दिया गया है, इसका कोड जो है सिर्फ 5 दे दिया गया है। सबसे पहले हम एल मेडिसिन की मेन क्लास लगाएंगे, उसके बाद क्योंकि ये जो पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन है ये ई के अंदर आ रहा है, एकम टू पी के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पे कोलन लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर पूरा हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन का एक ही कोड दे दिया गया सीधा 5। तो ये मेन क्लास लगाई, कोलन लगाया, उसके बाद 5 लगा दिया। इसके बाद फोर्थ टाइटल करते हैं, रेडियम थेरेपी ऑफ द कैंसर ऑफ थायरॉइड, ठीक है। इसमें अलग अलग वर्ड दे दिए गए हमें, एक रेडियम आ गया है, रेडियम थेरेपी आ गया, उसके बाद कैंसर आ गया, और एक थायरॉइड दे दिया गया है वर्ड, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि तीनों वर्ड हमें कहाँ कहाँ मिल जाते हैं। ये इसमें एल मेडिसिन की पी के अंदर हमें 177 पर थायरॉइड वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 177, ये हमारी पी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये एक तरह से देखें तो एक ट्रीटमेंट का तरीका है, तो ट्रीटमेंट का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 के अंदर हमें ट्रीटमेंट मिलता है, 2 ECOM 3 P जो है उसके अंदर ट्रीटमेंट सारे मिलते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि कहाँ मिलेगा। कैंसर दिया गया है और रेडियम थेरेपी दी। कैंसर वैसे एक बीमारी है, तो बीमारी के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, कई चैप्टर में बताया हुआ है कि अगर बीमारी वर्ड कोई भी कहीं भी कोई भी बीमारी दी जाती है तो सबसे पहले आपको कोलन लगाना होगा, जो आंसर होगा कोलन लगा के, क्योंकि बीमारी एक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले कोलन लगाएं क्योंकि वो ई के अंदर आएगी। उसके बाद बीमारी के लिए सबसे पहले डिजीज का जो कोड है, मेन कोड 4, वो हम लगाएंगे, उसके बाद कैंसर का हम कोड लगा देंगे। यहाँ पे हम देखें तो एल की पी में ई में जाएंगे हम, तो ई में सबसे पहले तो आपको 4 का डिजीज का 4 लगाना ही होगा, क्योंकि कोई भी बीमारी दी गई हो तो उसके लिए आप 4 लगाएंगे। उसके बाद अगर हम कैंसर वर्ड देखें तो कैंसर के लिए इसमें कोड दिया गया है, ये आपको जैसे यहाँ पे 4 है, आगे आपको एक निर्देश दिया गया कि 4 डिजीज इन ई फोसाई इन 2 P, यानी कि जो 4 डिजीज है ई के अंदर उसकी 2 P यहाँ पे आपको नीचे मिलती है। इसके अंदर आपको जितनी भी बीमारियाँ हैं वो सारी की सारी बीमारियाँ मिल जाएगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कैंसर जो बीमारी है वो आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको यहाँ पे मिलती है 7257। ये मैंने यहाँ पे आप कोड लिख लेना, कैंसर की स्पेलिंग लिख लेना, आप यहाँ पे इसका कोड होगा, अगर कैंसर कहीं भी आ जाता है 7257, तो ये कैंसर के आगे हम लिख देंगे 7257। उसके बाद रेडियम थेरेपी वर्ड रह जाता है, उसके लिए हम जाएंगे इसके अंदर 2 ECOM 3 P के अंदर। इसमें हम देखेंगे कि रेडियम थेरेपी हमें कहाँ मिलता है, तो इसमें यहाँ पे हमें 63129 ये दिया गया है रेडियम थेरेपी का। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो 6 है वो आपको ट्रीटमेंट का दिया गया है 6, उसके बाद आगे का जो कोड है वो रेडियम थेरेपी का दे दिया गया, तो ये आपको रेडियम थेरेपी का कोड 63129 लिख देना है, 63129। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले मेन क्लास लगाएंगे, उसके बाद क्योंकि इसमें पी दी गई है तो पी हम एज इट इज़ लगा देंगे बिना किसी सिंबल के, उसके बाद ई लगाएंगे, ई के लिए पहले कोलन लगाएंगे और सबसे पहले बीमारी का 4 लगाएंगे, उसके बाद कैंसर का जो कोड है वो लगा देंगे 7252, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे देखा था कैंसर का, सॉरी 7257 है, ठीक है। उसके बाद कोलन लगाएंगे और यहाँ पे ये कोड लिख देंगे ईकम 2 ECOM 3 P का 63129। ये आंसर हो गया इसका, रेडियम थेरेपी ऑफ कैंसर ऑफ थ्रोट, ठीक है। 6177:47257 :63129, ठीक है। उसके बाद हमें अगले टाइटल दे दिया गया है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, बुखार का यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है आयुर्वेदिक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 वर्ड मिल जाते हैं, तीन वर्ड मिलते हैं, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और फीवर। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ क्या कहाँ आपको इसका कोड मिलता है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें, तो आयुर्वेदिक के लिए आपको अलग से कोड दिया गया है, ये सिस्टम के अंदर दिया गया है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का LB, तो ये LB हम लिख देंगे, इसका LB है,
ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रीटमेंट का और फीवर का अलग अलग हमें कहाँ दिया गया है। तो हम जैसे फीवर एक बीमारी है तो ये हमें ई के अंदर ही मिलेगी, ई के अंदर हम देखेंगे कि हमें कहाँ मिलेगी। तो फीवर के लिए देखें हम सबसे पहले तो डिजीज़ का 4 लगा देंगे, ठीक है 4, उसके बाद फीवर का कोड जो होगा वो लगा देंगे। ये हमें 2P में ही दी गई है, 4 डिजीज़ की 2P में 1-4 पे हमें फीवर दे दिया गया है, ठीक है ये 1-4 आ गया। उसके बाद ट्रीटमेंट का कोड मैंने आपको पहले बता ही दिया है, 2ECOM3P के अंदर हमें 6 पे दिया गया है ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर आपने ये वर्ड लिखा नहीं है अभी तो आप लिख लें, यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको लिख लेना है, लिखा नहीं गया है आप लिख लेना, पेंसिल से लिख लेना आप, इसका कोड है 6, ठीक है। तो अब इसको हम लगाएंगे कैसे, सबसे पहले तो हम जो हमारे ये सिस्टम दिया गया है ये लगा देंगे LP, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद अगर P दे दी गई है तो उसके लिए कोमा लगाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी E है और ये 2E है, P नहीं दिया है तो हम सीधा कोलन लगाएंगे और E लगा देंगे, E का कोड है 14414। उसके बाद कोलन फिर से लगाएंगे, 2ECOM3P लगाएंगे 6, ठीक है ये आंसर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन की बीमारी के बारे में बताया जा रहा है, उसके ट्रीटमेंट हो रहा है। कौन सी बीमारी है, स्टमक डिजीज, पेट की बीमारी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टमक का कोड देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पी के अंदर बॉडी के पार्ट्स दिए गए हैं, ग्रंथियां दी गई है, तो स्टमक का कोड हम यहाँ देखेंगे, पेट का कोड हमें कहाँ मिलता है और क्या मिलता है, ये पी के अंदर ही मिलेगा स्टमक का कोड। उसके बाद देखेंगे क्या मिलता है, ये 24 दिया गया है, ये रहा स्टमक, यहाँ पे 24 इसका कोड है, तो ये स्टमक का कोड ये 24 हो गया। उसके बाद डिजीज का हमें 4 लगाना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ट्रीटमेंट के लिए इसका कोड 6 है, जैसा कि मैंने पहले लगाया। अब चिल्ड्रन का कोड रह जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिल्ड्रन का आपको कोड सीधा नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करना है आपको, आप बिल्कुल पीछे पीछे जाएंगे सबसे लास्ट में, जहाँ पे स्पेशल और सिस्टम दिए गए हैं हमें, इसके अंदर एक आपको कोड मिलता है 6L9C चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पे अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, अलग अलग जेंडर के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग बीमारियाँ दी गई, जैसे ये फीमेल के लिए आ गई है, ओल्ड एज के लिए आ गई है, वॉर के लिए आ गई है, जो अलग अलग आपको अगर कोई बीमारी है या ट्रीटमेंट है तो वहाँ से आप इनका कोड लेके आएंगे। तो चिल्ड्रन का कोड लेके आना है आपको, यहाँ पे चाइल्ड दिया गया है L9C, ये स्पेशल है, तो सबसे पहले हम L9C लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पी दी गई है या नहीं दी गई, पी हमें स्टमक दिया गया है, कोमा लगा के हम 24 लगा देंगे। उसके बाद ये ई है हमारी डिजीज, तो 4 लगा देंगे, कोलन लगा के हम ट्रीटमेंट का 6 लगा देंगे, 2ECOM3P, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट जो हमारा टाइटल है वो कर लेते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, टाइटल दिया गया, उसमें 2 वर्ड है, एक डायग्नोसिस और एक है प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बात देखें तो ये प्रेगनेंसी है, तो ये फीमेल के का ट्रीटमेंट या डिजीज के बारे में हम कह सकते हैं, फीमेल से रिलेटेड एक टाइटल दिया गया है, फीमेल थेरेपी है, ये फीमेल के लिए मेडिसिन हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फीमेल का कोड लेके आना होगा, जो फीमेल का कोड आपको चाइल्ड के नीचे ही थोड़ा आके मिलेगा, L9F दिया गया है यहाँ पे फीमेल का कोड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो हमें कोड दिया गया है स्पेशल का L9F ये लगा देंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी का कोड हम देखें तो हमें कहाँ मिलता है, ये हम देखें तो जैसे ये E के अंदर आएगी, मेडिसिन की E के अंदर 31 पर हमें दिया गया है प्रेगनेंसी, उसके बाद 313 पर हमें डायग्नोसिस दिया गया है, तो ऐसा ही हमारे टाइटल में यही लिखा हुआ है कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। सबसे पहले हमने फीमेल के लिए कोड ले आए, उसके बाद प्रेगनेंसी का तो 313 है, ये ई के अंदर है तो 31 हो गया, लेकिन हमें डायग्नोसिस लिखना है तो 3 लिख देंगे हम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। तो सारे टाइटल जो एल मेडिसिन से रिलेटेड हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इतनी ही चीज़ थी जो आपको बतानी थी, एक विधि इसके अंदर इस्तेमाल होती है, अध्यारोपण विधि, वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती है, कहाँ कहाँ दी गई हैं हमें, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और वीडियो नई बना सकें और आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू।